बहू, ए बहू, मेरा वो वाला साड़ी क्या तुमने सर्फ से धोया था? नहीं, मेरा मतलब इतने देर से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है कहीं पर, इसीलिए पूछ रही थी। हाँ माँ जी, मैं कल आपको बोली थी ना कि मैं आज वो साड़ी और साथ ही साथ दूसरे सारे कपड़े धो दूंगी, इसलिए मैंने वो साड़ी और कपड़े पानी में भिगो के रखा है। रसोई के सारे काम खत्म करने के बाद आपके वो साड़ी भी धो दूंगी, ठीक है? लेकिन बहू, मैं तो अभी अभी वहां से ढूंढ कर आई थी, मुझे तो कहीं पर नहीं दिखी साड़ी। तुम एक काम करो, तुम मुझे अभी बता दो कि तुमने मेरी साड़ी कहाँ पर रखी है, तो मैं उसे वहां से लेकर धो दूंगी। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि तुम्हें सारा कामकाज समेटते समेटते बहुत देर हो जाएगी, तब तक मैं उसे धो भी दूंगी। मुझे मालूम है माँ जी कि अगर मैं वो साड़ी और दूसरे कपड़े नल के पास छोड़ कर आऊंगी तो आप जाकर सब कुछ धो देंगी, इसलिए मैंने सब चीजों को दूसरे जगह पे रखा है। अच्छा माँ जी, आप इतनी व्यस्त क्यों हो रही हैं? मुझे बताएं जरा, मैं कपड़े धो दूंगी ये तो मैंने कल ही आपको बोल कर रखा था, है कि नहीं? इसीलिए जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है ना, डॉक्टर साहब ने आपको पानी से कोसों दूर रहने को कहा है, आप भूल गई हैं क्या? अरे बहू, तुम भी ना, बीमारियों बीमारियों के बारे में बातें अभी छोड़ो तो। तुम्हें तो पता ही है ये सब डॉक्टर वगैरह सब बातें बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं एक कमरे के अंदर चुप से बैठी रहूंगी और कोई भी काम ना करूंगी। अब बहुत हुआ, अब मुझे बोलो तो, तुमने मेरी साड़ियाँ कहाँ पर छुपाई है? हाँ बहू, ये भी कोई छुपाने की चीज है? बोलो तो, तुम अभी जल्दी से बोलो, कहाँ पर रखी है मेरी दो साड़ियाँ? और अगर तुम अभी नहीं बोलोगी ना, तो मैं वो चादर और सारे पर्दे भी लाकर धोने बैठ जाऊंगी। हाँ, और फिर तुम कुछ नहीं बोल पाओगी, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि तुम मुझे अभी बता दो कहाँ पर रखी है मेरी साड़ियाँ। अरे मम्मी जी, तो लगता है आज मेरी एक ना सुनने वाली है। ऊपर से कह रही है कि बेडशीट पर्दे सब धो देंगी, इतनी भारी भारी चीजें हैं, इससे अच्छा वो अपनी दो साड़ियां ही धो ले। ठीक है माँ जी, मैं बता रही हूँ आपको, बाहर जाकर देखिए, जो कटहल का पेड़ है हमारा, वहाँ रखा है मैंने बाल्टी, आप धो दीजिए। परंतु मम्मी जी, मैं बार बार कह रही हूँ, जल्दी जल्दी धोइएगा, ज्यादा वक्त मत लीजिएगा एकदम भी, ठीक है? वरना रात को फिर से आपके शरीर में जगह जगह दर्द शुरू हो जाएगा। अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम इतना चिंता मत करो। तुम एक काम करो, तुम अभी रसोई का सारा काम खत्म कर लो। तुम देखना, जब तक तुम्हारा काम काज खत्म होगा, तब तक मैंने सारे कपड़े धोकर सुखो भी लिए हैं। अरे वाह, मेरा तो सारा काम हो गया, मैंने तो अपनी सारी साड़ी और कपड़े धो दी, और बहू का भी काम खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास बहुत समय है, अभी मैं काम करती हूँ। मैं बिस्तर का चादर और पर्दे भी लाकर धो देती हूँ। हाँ, पता नहीं बहू ने कब धोए होंगे और फिर कब धोएगी, इससे अच्छा मैं ही कर लेती हूँ इसको। और वैसे भी बहू इतना धीरे धीरे काम करती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं ही कर लूंगी, मैं ही इसे धो देती हूँ अभी। अरे ये क्या है माँ जी, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि आप जल्दी जल्दी साड़ियाँ धोकर काम खत्म करेंगी, और आपने तो मेरी एक ना सुनी है, ये क्या है? अरे बहू, गुस्सा क्यों कर रही हो? असल में क्या है ना, मैंने मेरी दो साड़ियों को बहुत पहले ही धो लिया था, तो मैंने सोचा कि बहुत समय है और तुम व्यस्त रहती हो, कब बाकी चीजें मतलब बिस्तर का चादर पर्दे वगैरह ये सब धोने का वक्त मिले या ना मिले, तो मैंने ही धो लिए इनको। तुम गुस्सा मत करो, मैं भला बिना मतलब के यहाँ क्यों बैठी रहूंगी, बोलो तुम। क्या, मैंने इतनी बार आपको मना किया पर आपने मेरी एक ना सुनी, थोड़ा सब्र कर लेती आप, हर वक्त किस बात की जल्दी लगी रहती है आपको? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता,
और ये जल्दबाजी घर के कामों में नहीं है, सिर्फ हर चीज में लगी रहती है। ये सब ठीक नहीं है मम्मी जी। इस जल्दबाजी के कारण आपको रात में कितना दर्द और कष्ट झेलना पड़ता है मालूम है ना आपको, फिर भी सासू माँ का ये रोज की कहानी है। उनको छोटी से बड़ी हर काम में जल्दबाजी लगी रहती है। वो अपने बहू को काम बोलकर फिर खुद ही काम करने लग जाती है और इस कारण उनके घर में आए दिन परेशानी भी लगी रहती है। परंतु फिर भी सासू माँ हर काम में जल्दबाजी करने का व्यवहार खत्म ही नहीं होता। अरे बहू ने तो कहा था कि आज सवेरे सवेरे सब्जी मंडी की ओर जाएगी ताकि ताजी ताजी सब्जियां मिले, मगर अभी तक तो मुझे बहू की थोड़ी सी भी आवाज तक नहीं पड़ी। तो क्या मुझे जाकर एक बार बुलाना चाहिए? हाँ यही ठीक होगा, मैं जाकर बहू को बुला लाती हूँ, शायद वो भूल ही गई होगी। बहू, ओ बहू, उठो, और कितनी देर सोओगी तुम? ए बहू, उठो। अरे देखो सवेरा हो गया है और सूरज भी निकल आया है, तुम भूल गई हो क्या? बहू उठो बहू। मम्मी जी, आप इतनी रात को जोर जोर से चिल्ला क्यों रही हो? क्या हो गया है? सवेरा हो गया है, ये बोल बोल कर आप चिल्ला क्यों रही है? अभी तो मध्य रात्रि है माँ जी। उफ मम्मी जी, आप भी ना इतनी रात को जाकर सो जाइए, अभी सवेरा होने में बहुत देर है। अरे ये सब तुम क्या अनाप शनाप बक रही हो? अरे बहू बाहर की ओर देखो तब पता चलेगा, देखो सवेरा हो आया है, सूरज की रोशनी भी दिखाई पड़ रही है। इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, सारी सब्जियां बिक जाएगी और हमें ताजी सब्जियां नहीं मिलेंगी। चलो उठो, हम अभी निकलेंगे। और वैसे भी तुमने ही तो कल मुझे कहा था कि सवेरे सवेरे उठने के लिए, और हम सुबह सुबह सब्जी मंडी चलेंगे, तो अभी देर क्यों कर रहे हो? चलो चलो जल्दी उठो। माँ जी आपको पता है ना कि आपके इन्हीं जल्दबाजी हरकतों के लिए हमेशा हमेशा हम लोग कोई ना कोई मुसीबत में आ ही जाते हैं। मैंने तो आपको कहा था सुबह के 5:30 या तो 6 बजे निकलेंगे, और आप अभी उठकर बैठी हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, आप जरा गौर से देखिए अभी कितना बज रहा है। अभी 2:45 बज रहे हैं और आप 2:45 बजे उठकर बैठी हैं। इसका कोई मतलब बैठता है? बोलिए। आप फिलहाल के लिए अपने कमरे में जाइए और सो जाइए, मैं आपको 6 बजे बुला दूंगी। एकदम सवेरे सवेरे चले जाने से सब्जी वालों के भी कई नखरे होते हैं, वो लोग बेचना नहीं चाहते हैं, आप तो जानती ही हैं। और माँ जी अब जिस वक्त आप जाना चाहती है ना, उस समय तो मंडी में साफ सफाई होती है। आप कमरे में जाकर थोड़ा सो लीजिए, मैं आपको बुला दूंगी समय से। बहू सब काम में इतना देरी लगाती है, मैं काम करती हूँ, बहू के लिए अभी इंतजार बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं अभी सब्जी मंडी के लिए निकल जाती हूँ, वरना ज्यादा देरी हो गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी सब्जियां नहीं मिलेंगी। मैं अभी निकलूंगी और वापस घर में तभी आऊंगी जब मुझे ताजी ताजी सब्जियां मिलेगी, और बहू भी तब समझ जाएगी कि वो गलत थी, जल्दबाजी में काम करने से ही सारे काम अच्छे होते हैं, वरना बहू की तरह धीरज में काम करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। मैं अभी अभी निकलती हूँ। जैसा सोच वैसा ही काम। सासू माँ रात के 2:45 बजे निकल गई सब्जी मंडी की ओर, और कुछ देर पैदल चलने के बाद पहुँच भी जाती है। अरे ये क्या सब्जी मंडी? अरे सब्जी मंडी छोड़ो, वो तो खुला भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कोई लोग तो दूर
यहाँ पर तो कौआ बिल्ली तक नहीं दिख रहा है। अभी मैं क्या करूंगी इधर? इधर मैं अगर इंतजार करने लगी तो मतलब, अरे मैं क्या करूं अब? ज्यादा देर इधर खड़ी रही ना तो मच्छर मुझे काट काट कर गुब्बारे की तरह फुला देगी। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि बहू की बात सुन लेनी चाहिए थी, इतनी जल्दबाजी में इधर आकर मैं फंस गई। अब फिर वापस घर जाना पड़ेगा। क्या बात है बहू, इतने सारे कपड़ों से क्या होगा? मेरा मतलब, तुम सिलाई विलाई का काम कर रही हो क्या? हाँ माँ जी, याद है आपको हमारे गांव में राम जी है ना सिलाई करने वाले, आज मैं उनके ही पास गई थी। फिर मैंने खुद की कुछ सिलाइयाँ उनको दिखाई और मेरी सारी सिलाइयाँ देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरी काफी तारीफ की है सच में, और इसी साथ उन्होंने मुझे कुछ कपड़े सिलने के लिए दे दिए हैं। अगर मैं समय पे उनको ये सारे कपड़े सिलकर दे दूँ ना, तो पता है मम्मी जी, मेरा उनके वहाँ नौकरी तो पक्का है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई है तुमने मुझे, मैं बहुत खुश हूँ बहू, बहुत। तो तुम एक काम कर सकती हो, तुम अगर चाहो तो सिलाई करने के लिए मुझे भी कुछ कपड़े दे दो। तुम्हें पता है मैं ना बहुत जल्दी जल्दी सिलाई करती हूँ, अगर मैं भी तुम्हारे हाथों हाथ इस काम में मदद करूँ तो तुम देखना, तुम बहुत ही जल्दी सबसे पहले कारखाने में सारे काम जमा दे दोगी, और अगर जल्दी जमा दोगी तो कारखाने से तुम्हें और भी कपड़े मिलेंगे, और इसका मतलब जितना काम उतना ही पैसा। नहीं माँ जी, ये सारे काम आप एकदम छूना तक नहीं, मेरा मतलब आपको खामोखा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यह कपड़े बहुत आधुनिक है, इसलिए इनकी सिलाइयाँ भी आधुनिक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं समय के अंदर उनको सारा काम दे दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और जल्दबाजी के चक्कर में काम बिगड़ सकता है, कोई फायदे की बात तो है नहीं। मम्मी जी चलिए खाना खाने चलते हैं, बहुत रात हो गई है, मैं कल सुबह सुबह सारे सिलाई का काम निपटा लूंगी। चलिए माँ जी आइए। ये बहू भी ना कुछ भी बोलती रहती है, तो बच्ची है, कुछ भी मालूम नहीं है उसे। बहू को ये बात मालूम ही नहीं है कि कारखाने में जो जितना जल्दी काम जमा करता है उसकी उतनी ज्यादा शान बढ़ जाती है। मेरी प्यारी बहू अभी भी बच्ची है, उसे ये सब कहा ही मालूम। मैं इतना दिमाग खराब करने से अच्छा है कि आज रात बहू जब सो जाएगी तभी मैं यहाँ चुपचाप से आकर सारा सिलाई का काम खत्म करके रखूंगी, और कल सुबह जब बहू ये सारे काम कारखाने में जमा करने जाएगी तब मेरी बहू का सब लोग मिलकर तारीफ करेंगे। है, है, मैं यही करूंगी। मुझे पता है मेरे सारे प्लान हमेशा अच्छे ही होते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये सारे कपड़े इस तरह से किसने सिल दिए? पूरी तरह से सब नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। ये काम जरूर मम्मी जी का है, जल्दबाजी के चक्कर में मम्मी जी ने ऐसी भद्दी सिलाई की है, अब मैं क्या करूंगी? मम्मी जी इधर आइए जल्दी। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? तुम इतने जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैं तो डर ही गई थी। बाप रे बाप, क्या बात है? ये सब कुछ अब क्यों करने गई माँ जी? आप देखिए, गौर से देखिए, सारे कपड़े खराब हो गए हैं।
आपने ये कैसे कर दिया मेरे साथ? बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये सिलाई का काम मिला था, अब वो भी हाथ से निकल जाएगा। आपने पूरी तरह से सब कुछ खराब कर दिया, अब क्यों हाथ लगाने गई? अभी जब मैं उनके पास कपड़े देने जाऊंगी, वो लोग तो मुझे काम देने से इनकार कर ही देंगे और साथ ही साथ मुझे उल्टा कपड़ों के पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। आप क्यों सिलाई करने गई माँ जी? आपको पता था ना कि ये काम 10 दिन का है। फिर से जल्दबाजी के चक्कर में हमेशा सारे काम खराब हो जाते हैं। आप ये बात कब समझोगे? और कितना सर्वनाश होने के बाद आप ये समझोगे? अब मैं क्या करूंगी माँ जी, आप ही बोलिए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इश, मैं हर बार क्या ही सोचती हूँ और क्या ही होता है, हर बार उल्टा हो जाता है। मैं ये सब क्यों करने गई थी? मैंने बहू का इतना सारा काम अपने इन हाथों से खुद ही बिगाड़ दिया। अपने घर का सर्वनाश मैंने अपने ही हाथों से किया। मैं ये सब क्यों करती हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा और कभी भी नहीं करूंगी। मुझे मेरा ये सब जल्दबाजी में काम वाम करना बंद करना ही पड़ेगा। मुझे अपनी ये जल्दबाजी की बीमारी अभी खत्म करनी पड़ेगी। मैं ये सब और कभी भी नहीं करूंगी।